संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो 5 सदस्यों की कमेटी नामित हुई थी सरकार से बातचीत करने के लिए, उस कमेटी के एक सदस्य युद्धवीर सिंह भी हैं। 2 दिन हो गए उस कमेटी से सरकार का कोई संवाद नहीं हुआ। आज दिन भर संयुक्त मोर्चे के नेताओं की मैराथन बैठक, जिसमें 9 सदस्यों की कमेटी के नेता भी शामिल थे, और फिर उससे पहले घंटों बैठक उन 5 सदस्यों की जिन्हें सरकार से बातचीत करने के लिए नामित किया गया था। आखिर क्या वजह है कि बातचीत नहीं हुई 48 घंटे में, और अब कल आप बड़ा फैसला फिर करना पड़ सकता है आपको आंदोलन जारी रखने का, तो ये संवादहीनता फिर क्यों हो गई अगर आपकी 4 तारीख के पहले अमित शाह से बातचीत हुई थी? देखिए, 4 तारीख में जिस तरह का रवैया था SKM का, और जिस तरह से SKM ने एक बहुत ही छोटी कमेटी का गठन किया और जिसको ये अधिकार दिए थे कि वो सरकार के साथ बात करेगी, तो ये इस आशा के साथ किया था कि सरकार इस बात को जो है वो सकारात्मक लेगी, और सरकार ने जैसे संकेत सरकार दे रही थी इसको निपटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिन का रवैया ये दर्शाता है कि सरकार जो कुछ कह रही थी उसमें गंभीरता नहीं थी, वो खाली देश में मैसेज देना चाह रहे थे कि किसान जो हैं वो किसी दूसरे एजेंडे के साथ बैठे हैं, उनका एजेंडा जो है मांग पत्र नहीं है। हमने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि हमने जो लिख के 8 मांग दी थी उसमें से 4 मांगों पे हमने कहा था कि 4 मांग हम छोड़ देते हैं और 4ों पे फैसला हो। 2 पे पहले बात हो गई थी, 3रा रिपील हो गया, MSP की बात बची थी, उस पर कमेटी बन गई। तो MSP पे हम बात करना चाहते थे, और जो आंदोलन के दौरान मुकदमे और जो शहीद हुए थे उन लोगों के पुनर्वास और उन केसों के वापसी की पे बात हमारी थी, तो कोई बहुत गंभीर विषय बचे नहीं थे। लेकिन सरकार का 3 दिन का ये रवैया दर्शाता कि कहीं ना कहीं सरकार जो है पूर्वाग्रह से है, और सरकार जानबूझ के किसान को लटकाए रखना चाहती है, बात नहीं करना। अहम बात यह है कि युद्धवीर सिंह हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। युद्धवीर सिंह ही वो शख्स हैं जिनसे अमित शाह की बात हुई थी, और आपसे जब 4 तारीख को हमने बात की संयुक्त मोर्चे की बैठक के बाद, बहुत लंबी बात, आप पूरे तरह से एकदम आश्वस्त थे कि 7 तारीख तक फैसला हो जाएगा, आपने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा भी। और अमित शाह से आपको कुछ ऐसा तो मिला होगा जिसके आधार पर मोर्चे ने 5 सदस्यों के नाम तय किए, तो क्या बात हुई अमित शाह से और क्या ऐसा हुआ, एक बार फिर से समझाइए कि अमित शाह से बातचीत होने के बाद फिर 2 दिन की यह संवादहीनता और ये स्थिति फिर क्यों आ रही है? देखिए, बात मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा था कि मैं अपने साथियों को जाके ये बात रख दूंगा, और मैंने वही बात ना घटा बढ़ा के पूरा अक्षर, एक एक अक्षर वो बात हमने अपने मोर्चे में रखी, और उस बात को सुनने के बाद मोर्चे ने कमेटी का गठन किया इस आशा के साथ कि अमित शाह जी की अगर ये इच्छा है तो हम भी उसका सम्मान करते हैं, और ये एक कमेटी जाएगी बात करके कर देगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता वो बार बार इस तरह के रवैये का संदेश, उनका कमेटी से बात ना करना, क्या उनका सोच है, कौन सा उनका सोच है जिसकी वजह से ये हो रहा। कोई भी एक तरीका होता सरकार से संवाद के बगैर तो कोई विषय निमटता नहीं है, और संवाद के लिए ये मैं तो कोई अधिकृत आदमी नहीं था जो फैसला कर सकूं। एक अधिकृत कमेटी जब बना दी गई तो उससे संवाद करना लेना चाहिए उनको, वो अमित शाह जी करें, उनका कोई भी जिसको वो कृषि मंत्री करें जो भी करें उसको करके उसको निपटा देना चाहिए था। तो काफ़ी हम आगे बढ़ गए थे उस विषय में, और हमको लग रहा था वो इच्छुक थे, तभी तो उन्होंने मुझसे कहा था, और बात कहीं किसी विषय पे अटकने वाली नहीं थी। सहमति जैसी बात मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने इन लोगों को आगे बताया और इन्होंने कमेटी बना दी। अगला कदम उनको उठाना था कमेटी को बातचीत के लिए बनाने का, पता नहीं उनका मन सरकार का बदल गया है या कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन 3 दिन हो गए अब तक कोई बुलाओ तो आया नहीं। ने आपको कहा था कि आप 40 नेता जो बैठक करते रहे 4-5 लोगों के नाम, ऐसा नहीं कहा था, और इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। ये हमारा सोच था कि उनकी इच्छा है, और ये हमारे एक साथी ने सुझाव दिया, सब जब मैंने ये बात रख दी तो हमारे बीच से एक हमारे नेता ने सुझाव दिया कि भाई ऐसा करो
जब सरकार ने ये बातें कही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को निपटाना चाहती है। एक छोटी कमेटी बना दो 5 आदमी की, और डिबेट हुई बल्कि 9 और 5 की पे बात आई कि 9 मेंबरी कमेटी जाके बात कर ले, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, 9 भी ज़्यादा हैं और उसको छोटा करके 5 की। योगेंद्र यादव भी हैं जिनसे सरकार पहले बात करना नहीं चाहती नहीं, 9 में ऐसा तो कोई चर्चा नहीं हुई योगेंद्र के, पर्टिकुलर योगेंद्र को बाहर रखना, लेकिन ये था कि 9 भी ज़्यादा हैं और छोटा किया जाए। और उस दिन क्योंकि 5 लोग अध्यक्षता कर रहे थे बाई चांस, तो ये कहा कि आज का अध्यक्ष मंडल जाके इस मामले को सरकार से बातचीत करके निपटाए। जैसे आपने कहा कि अमित शाह से बातचीत में 2 मुद्दों पर कोई सहमति थी, वो 2 मुद्दे क्या थे? एक तो कमेटी बनाना, एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए कमेटी बनाना, और उसमें किसान और सरकार के प्रतिनिधि हों जो एक तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट दे, ठीक है, और मुकदमे जो हैं वो वापस लेने। तो अमित शाह ने आपको कहा था कि मुकदमे वापसी पर सहमति उनकी थी, उन्होंने सहमति दी थी। तो ये बड़ा ये गच्चा हो गया क्या, कुछ धोखा हो गया किसान नेताओं को कि अमित शाह से बातचीत के आधार पर आपने कमेटी भी बना दी, घोषणा भी कर दिया, 48 घंटे इंतजार भी कर लिया, और अब कहना पड़ रहा है कि हमें आंदोलन कल से तेज करना पड़ेगा? नहीं, धोखा खा गए। धोखा खाने की इसमें कोई बात नहीं है, हमको ऐसा तो है नहीं धोखा। हम तो यहाँ आंदोलन पे साल भर से बैठे हैं, 2 दिन अगर हम अपनी एक्टिविटी 2 दिन हमने, ये तो बातचीत का विश्वास पैदा करने के लिए गति थोड़ा सा धीमी की जाती है, फिर नहीं बनती है तो बढ़ाई जाती है, तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें उम्मीद थी कि शायद सरकार जो है, एक जो संकेत सरकार की तरफ से है, बातचीत हो जाएगी, ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब इस रवैये से ऐसा लगा कि नहीं, हम जो मूवमेंट हमारा है और जो हम आंदोलन में जो समय समय पे अपने एक्शन प्रोग्राम रखते हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे। तो अब क्या करेंगे कल, जैसे ये बात कल संयुक्त मोर्चे में रखी जाएगी कि सरकार ने बातचीत के लिए कोई सरकार की तरफ से मैसेज नहीं है, और अब आगे क्या करना है वो तय करो। हम यहाँ खाली ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, जो भी एक्शन है वो स्टेट में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी होंगे, वो शुरू किए। आपको क्या लगता है, सरकार ने, अमित शाह ने कोई नाक का सवाल बना लिया कि भाई जाओ हम नहीं बात करेंगे, आप ऐलान कर दो? कुछ ऐसी भी जानकारी कुछ लोग बता रहे हैं कि आप ऐलान करो पहले आंदोलन वापसी की, फिर बात करेंगे, ऐसा कुछ है? पर्टिकुलर ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई उनका है, लेकिन उनका निश्चित तौर पे कोई रणनीति तो होगी ना बात करना। उनको भी पता है कि आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में बैठे हैं, और वो गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था को देखते हैं, पल पल की सूचनाएं उनके पास होती हैं, उनकी रणनीति कोई अपने हिसाब से बन रही होगी। तो रणनीति युद्धवीर जी, कैसी रणनीति थी जो 3 तारीख को आपसे बात होती है, 4 को आप कमेटी बना लेते हैं, 6 तक बात नहीं होती है, 7 को फिर आपको आंदोलन तेज करना पड़ता है? मैं सरकार से ये अपेक्षा मेरी थी भी और ऐसी किसी की भी होनी चाहिए, कोई समाधान की तरफ जाने का एक ही रास्ता होता है कि मेज पे बैठ के बात करें, और बात करके आपस में सहमति बने, और उसकी घोषणा होती है, एक ऐलान होता है, एक बात होती है। क्यों वो इस तरह से क्यों बात नहीं करना चाहते, क्या मतलब इसमें हिडन क्या, छुपा के रखने की बात क्या है और छुपने की बात क्या है? बात करनी चाहिए, बात करके समाधान, और जब इंटेंशन क्लियर हो गई है कि हम भी बात करके निपटाना चाह रहे हैं, उनको भी पता है कि मेजर इशू ख़त्म हो चुके हैं, और एमएसपी पे उन्होंने कहा हम उसको मान रहे हैं, तो बचा कमेटी बना देंगे और संयुक्त मोर्चा भी उस पर सहमत है, कमेटी बने और उसमें हमारे किसान प्रतिनिधियों, तो ख़त्म ही हो रखा है, उसमें है क्या इशू? ठीक, 48 घंटे पहले 4 तारीख को हमने आपसे बात की थी, जब आपने ये सारी बातें बताई थी, अमित शाह से बातचीत और ये उम्मीद कि 7 तक आंदोलन वापसी का रास्ता बन जाएगा। 48 घंटे बीते, क्या आपने कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की गृह मंत्री से? जब आपसे बात हो गई तो एक कॉल की दूरी पर है, कॉल करिए, पता करिए कि भाई 48 घंटे हो गए सर, हमने कमेटी बना लिया, बात क्यों नहीं कर रहे? ये संदेशा चला गया उनके पास, अच्छा, कि कमेटी बन गई है, और उसके बाद वो अगर नहीं उस कमेटी को बुला रहे हैं, युद्धवीर को बुलाना कोई मायने नहीं रखता, उस कमेटी को बुलाया जाए। तो ऐसा तो नहीं कि युद्धवीर को ही बुलाना चाह रहे हैं? नहीं, आपसे खाली बात करना नहीं, अगर मेरे जाने से संभव होता तो मैं
तो मेरी बात हुई थी तभी ख़त्म हो जाता, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। 500 ग्रुप में, और 500 ग्रुप में जब हम डिस्कस करके निर्णय लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तमाम ग्रुपों में ये बात रखी गई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि 5 आदमी, उन्होंने ये नहीं कहा, मुझे नहीं कहा कि आप आगे बढ़ो, उन्होंने 5 आदमी की कमेटी बना के निर्णय लिया। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि 5 आदमी ही बात को अब आगे बढ़ाएंगे। तो अब मान लें कि कल जो 7 दिसंबर है, उसमें फिर अगली तारीख कोई 10 दिसंबर या 13 दिसंबर की तारीख कोई तय होगी, जिस दिन आप फिर 3 दिन या 5 दिन इंतजार करेंगे? नहीं, अब मेरे ख्याल से इंतजार जैसा कुछ नहीं है, हमने पहले ही इंतजार करते रहे। अब हम अपना किसानों का जो एक आप लोगों के कुछ मीडिया के भाइयों ने दिखाया कि किसान लौट रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे किसान लौट को ही नहीं रहा। तो आज मैंने 50 ट्रैक्टर आते भी देखे। हाँ, अमृतसर से हमारा क्या है कि हमारा एक तय समय के लिए लोग आते हैं, एक महीना रुकेंगे या 15 दिन रुकेंगे, जितने समय के लिए आते हैं वो लौटते हैं और नए ट्रैक्टर आ जाते हैं। ये 1 साल की प्रक्रिया। तो किसी ने वो हमारे जो साथी अपना टेन्योर पूरा करके जा रहे थे उनको ही खबर बना दी कि किसान मोर्चा खत्म हो गया, लोग जाने लग गए हैं। तो ये भी गफलत हो सकती है सरकार को, ये भी गफलत। तो सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे और अपने लोग आह्वान, किस तरह का आह्वान लोग करेंगे, लोगों को वापस लोग मोर्चे पे अपना संभालें, अपना काम जैसे साल भर करते रहें और फिर जो रणनीति होगी बनेगी वो बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे युद्धवीर सिंह का बोलना और उनसे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, टिकैत का जो संगठन है, और युद्धवीर सिंह ही वो नेता हैं, किसान नेता, जिनसे 3 दिसंबर को अमित शाह की बात हुई थी। उन्होंने संयुक्त मोर्चे को जानकारी दी जिसका जिक्र उन्होंने किया, और 4 तारीख के शाम मुझसे बातचीत में, जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने मुझसे बात की, कुछ मुद्दों पर उनकी रजामंदी है, जिसमें MSP पर कमेटी बनाना, मुकदमे वापसी, और इससे ऐसा लगता है कि 7 तारीख तक आंदोलन वापसी का रास्ता निकलेगा, हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 दिन इंतज़ार हुआ, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर कोई संवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं। वो अमित शाह से जो संवाद का रास्ता था उसके बाद उसमें आगे कोई बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये बता दूं, 7 तारीख यानी कल संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक है जिसमें सारे घटक शामिल होंगे, जितनी जत्थेबंदियां हैं, जितने यूनियन के नेता हैं, और मोर्चे के उन 5 सदस्यों ने जो आज ऑब्जर्व किया वो कल बताएंगे। सरकार से संवादहीनता पर चर्चा होगी, और जैसा कि युद्धवीर सिंह ने और अभी जो बाकी शिव कुमार कक्का और दूसरे किसान नेता यहाँ थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने कहा फिर आंदोलन को तेज करने की रणनीति कल तय होगी। और अब सरकार से संवादहीनता का मतलब सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, तो हम आंदोलन को वैसे ही जारी रखेंगे जैसे पहले से अब तक चलता रहा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले यह बता दूं, किसान मोर्चे की हर खबर कल भी आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार देख सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।